చేతాం రంజాన్ పవిత్ర మాసంలో మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి మీ అందరితో కూడా నా ప్రార్థన ఒకటే కేసీఆర్ గారి 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో ఎన్నడూ కూడా మనం మతం పేరు మీద రాజకీయం చేయలేదు మనిషిని మనిషిగా చూసుకున్నాం किसी को कभी मजहब का नाम पे अलग करके सियासत नहीं करे केसीआर साहब गरीब को गरीब की तरह देखें चाहे वो गरीब मुसलमान हो गरीब ईसाई हो गरीब हिंदू हो गरीब सिख हो जो भी हो इंसान को इंसानियत के नाम पे और गरीब को गरीब की तरह देखते हुए हर वो प्रोग्राम हर वो खिदमत जो करना चाहिए गरीबों के वास्ते वो केसीआर साहब ने किया चाहे वो हमारे लिए बनाए गए 204 टिमरिस के स्कूल हो जिसमें आज 1,32,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे अच्छे शानदार स्कूल हो या हमारे वास्ते जो दिया गया 20 लाख का स्कॉलरशिप ओवरसीज स्कॉलरशिप जो दिया गया हमारे गरीब बच्चों के वास्ते चाहे वो स्कॉलरशिप हो या इन सबसे भी बड़ी बात जो अमन और भाईचारा पिछले 10 साल में जबकि तनाव है पूरे हिंदुस्तान में जबकि बेचैनी है पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में केसीआर साहब के हुकूमत में एक भाईचारा एक गंगा जमुना तहजीब हमारे मुसलमान हिंदू ईसाई और सिख भाइयों के बीच में जो देखने को मिला ये मिसाल बन गया पूरा हिंदुस्तान के लिए भाइयों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं आज अगर हिंदुस्तान में अमन चाहिए आज अगर हिंदुस्तान में तरक्की चाहिए तो केसीआर जैसे दिलदार लीडर को आप मदद दीजिए दुआ में याद रखिए और उम्मीद करता हूं आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी आप हमें फिर से आशीर्वाद देंगे जिस कदर आपने हमें मदद दिया पिछले 5 इलेक्शन में आपने हमको जिताया मुझे यहां पे एमएलए बनाया आपने आपकी दुआओं से आपके आशीर्वाद से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं आगे आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं विनोद भाई भी जीतेंगे केसीआर साहब के जितने भी आज कैंडिडेट हैं हमारे एमपी इलेक्शन में वो भी जीतेंगे और आपके खिदमत में लगे रहेंगे 10 साल केसीआर साहब ने तेलंगाना को एक मिसाल बना के दिखाया पूरे हिंदुस्तान को कि किस कदर अमन के साथ तरक्की भी साथ साथ चल सकती है पर आज हिंदुस्तान में जो माहौल है जिसमें आज एक डर एक घबराहट एक तनाव इन सब के बारे में अगर मैं ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि ये दावत इफ्तार है बट भाइयों एक ही चीज कहता हूं केसीआर जैसे सेक्युलर लीडर जो किसी से नहीं डरते हैं और किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं ऐसे लीडर की हिफाजत ऐसे लीडर को और ताकतवर बनाना उनको मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है ये चंद शब्द कहते हुए मैं आप सबसे रुख्सत लेता हूं फिर से एक बार आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं आज हमारे जो मस्जिद कमेटी के सदर हैं और पुराने सदर हैं आप तमाम लीडरों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छी इंतजाम आपने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें भी दावत दिया आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से कहते हुए मैं रुख्सत लेता हूं थैंक यू आ